मोदी ने क्या मुमकिन किया? एक तो ये कि यहां से सबसे बड़ा टेक है कि जातवात वाली राजनीति की हार है। उत्तर प्रदेश साफ तौर पर बता रहा है, हिंदी जो वोट बैंक है वो साफ बता रहा है, हिंदी हार्टलैंड बता रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति का खात्मा जिस अपीजमेंट को लेकर के, मुझे याद पड़ता है सहारनपुर की रैली में जिस मुस्लिम वोटों की बात और दुहाई की बात बहन जी कर रही थी या फिर महागठबंधन कर रहा था, सीधे तौर पर उसकी हार है। सत्ता में बैठी पार्टी के पक्ष में यह लहर है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यह प्रो इनकम्बेंसी लहर है, और ऐसा मुमकिन है जो कि अब से पहले नहीं देखा गया है। झूठे प्रचार पर जनता का प्रहार, वो तस्वीर जो कि ठीक एक साल पहले सुधीर जी ने दिखाई थी इस बड़ी स्क्रीन पर कि वो एक झूठा प्रचार प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की भी हार है। आतंकवाद पर घर में घुसकर अगर वार किया, लोग तो कम से कम यह समझते हैं, लोग नेशनल सिक्योरिटी को एक इशू मानते हैं, राष्ट्रवाद को भी इशू मानते हैं, इसलिए मुमकिन है। वही राजनीतिक गुंडागर्दी पर भी ये नकेल है। इससे पहले सब सिर्फ राजनीतिक हित के लिए इकट्ठा होना और उसकी भी ये हार है, स्वार्थ के लिए एकजुट विपक्ष की हार है, जो कि ये कहता था कि लड़ हम एक साथ रहे, एक दूसरे के खिलाफ रहे, लेकिन इकट्ठे हो जाएंगे, आप रिजल्ट के बाद देखिएगा। एक आम आदमी का दो बार पीएम बनना मुमकिन है।